हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेल शीट में कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास एक साइड में टाइम लिखा हुआ है और कुछ मिनट्स लिखे हुए हैं। और हमें करना क्या है यहाँ पे कि इन मिनट्स के बेस पे टाइम को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। यानी अभी जैसे मान के चलो यहाँ पे 9 बजे हुए हैं और 35 मिनट बाद कितना टाइम होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो नॉर्मली यदि आपके पास मिनट लिमिट में है, 35 है, 40 है, आप उनको प्लस करके बता सकते हो। जैसे 9 AM है और 35 मिनट बाद तो आपको क्या होगा, 9:35 बन जाएगा, वो भी AM में। लेकिन अगर आपके पास मिनट है कि 1:35 यानी 135 मिनट बाद क्या होगा, 500 मिनट बाद क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है टोटल टाइम के नीचे, यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आपको क्लिक करना है फर्स्ट टाइम पे। टाइम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको मिनट्स लेना है। अभी आपका टाइम प्लस मिनट हो गया। अब आप बोलेंगे इतना करने के बाद आपका जो आउटपुट है वो सही आएगा, एंटर करके देख लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे 9 AM ही आ रहा है, इसलिए क्या इस तरह का फॉर्मूला गलत है। अपन इसको क्या है, डबल क्लिक करें। अब आपको करना दोनों को ऐड ही है, लेकिन इसके बाद कुछ और कंडीशन है जो आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे, इसके बाद ब्रेकेट ओपन करेंगे, 24 लिखेंगे इंटू 60, और इसके बाद ब्रेकेट को क्लोज करना है। यानी आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू को प्लस करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, 24 इंटू 60, 24 घंटे गुणे 60 मिनट, और इसके बाद आपको एंटर करना है। अब आप देखेंगे आपका जो आउटपुट है वो सही आया है, 9 बजे कितना आ गया, 35 मिनट। अब इसके बाद इसी को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि सभी का जो टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज होके आ गया है। अब जैसे यहाँ पे 6 बजे थे सुबह के और 135 मिनट बाद आप देखेंगे तो कितना हो गया आपका, 8:15, वो भी AM में। अब मान के चलिए हम किसी एक का टाइम, जैसे ये 15 है, हम इसका टाइम चेंज करते हैं और ये अभी 8:38 सुबह PM है, यानी शाम का टाइम है। तो अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मान के चलिए आप 800 मिनट दे दें, इतना करें 800 मिनट और एंटर करें। अब आप देखेंगे PM से किसमें आ गया, AM में, और टाइम क्या हो गया यहाँ पे, 9:43, 9:43। इस तरह से आप क्या है, किसी भी टाइम पर मिनट को ऐड करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और वो वैल्यू आपको AM या PM में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके दिखाई देगी। बशर्ते करना क्या है आपको, जहाँ पे आप टाइम की वैल्यू लिखेंगे उसमें आपको AM और PM भी लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई अलग से फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी आप वैल्यू टाइप करें तो साथ में आपको स्पेस करके AM या PM जो भी टाइम हो वो आपको लिखते जाना है, और लास्ट में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक अगर AM का टाइम आ रहा है तो AM हो जाएगा और PM का है तो PM हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, AM है अभी 9:40, आपसे ये 12 12:15 कब के हैं, AM टू। अपन इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, मान के चलिए 1200 से 1200 मिनट करें, एंटर करें। आप देखिए 7:30 PM हो गया, यानी AM से भी PM में चेंज हो जाता है। इस तरह से आप टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।